आप में से कोई सरकारी स्कूल से पढ़ा है वैसे? Yes. आप दिख रहे गरीब है ऐसे. अनफिल्टर्ड बच्चे होते हैं, मैं तुम्हें बताऊं सरकारी स्कूल में. मेरा तो बहुत ही अलग था. मैंने अपने स्कूल के बच्चों को कभी कहते हुए नहीं सुना, सर मे आई गो टू वॉशरूम. वो उठ के चले जा रहे हैं. सर कह रहे कहाँ जा रहा है? कह रहा मूतने. आप चलोगे साथ में? चलो आपको घुमा लाता हूँ बाहर. बहुत अनफिल्ड. मैं बता रहा हूँ, रो की लास्ट में बच्चा बैठा हुआ है, अचानक से खड़ा हुआ पीछे से और कह रहा है कि सर लेटरिन. तुम समझ रहे हो, क्लास में सन्नाटा है अब, क्योंकि किसी को समझ नहीं आया कि आई है या कर दी. तू डिस्क्लेमर दे ना. हाँ, हम गैस कर रहे हैं पीछे से बैठ के, भाई पैंट देख के बताइयो क्या है. हाँ, और ऐसे करके सर कह रहे ये क्या चुनाव लड़ रहा है तू? कह रहा नहीं सर, दो लोग जाएंगे, मैं और राकेश. वो कुंडी नहीं ना टॉयलेट के गेट में, तो राकेश पकड़ के खड़ा रहेगा बाहर. आप लोग स्कूल में पूछते होंगे बड़े होके क्या बनना है. सरकारी स्कूल में नहीं पूछते. टॉपर से, मेरी क्लास के टॉपर से एक बार पूछा कि बेटा आपको बड़े होके क्या बनना है, कह रहा लेडीज टेलर. लेडीज टेलर. पीछे वालों से तो सर ने पूछा ही नहीं फिर, कि जब टॉपर को ये बनना है तो पीछे वालों का गोल सुन के मेरी फट जाएगी, मुझे जेंट्स टेलर ढूंढना पड़ेगा कि पहले अपनी सिलवा लूं मैं. ऐसे स्कूल. एक तो 26 जनवरी को प्ले होता था हमारे स्कूल में, होता ही होगा सबके में होता था. मुझे याद है 26 जनवरी के जस्ट दो दिन पहले सर आए हैं क्लास में और कह रहे हैं कि इस बार ना स्कूल में बहुत बढ़िया प्ले होने वाला है और वो प्ले हमारी क्लास करेगी. मैंने कहा सर बेवकूफ़ मत बनो. हाँ, आपने लास्ट ईयर भी यही बोला था और बहुत ही गंदा प्ले कराया था. पता कौन सा प्ले कराया था? वो कछुआ और खरगोश. वो रेस होती है ना, मैं मोटा था यार बचपन में, मुझे कह रहे हैं कि तू कछुआ बन जा, तुझमें से फील आता है वो. कछुए का फील दे रहा हूँ मैं. मैं क्या रेंग रेंग के चलता हूँ, मैं दुश्मनों को देख के मुंडी अंदर कर लेता हूँ अपनी. मुझे स्टेज पर कछुआ बनाया हुआ है यार, मुझे कॉस्ट्यूम भी नहीं दिए, मैं व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट में कछुआ बना हुआ. तुमने कोई कछुआ देखा जो साइड से मांग निकाल के आया हो? कछुए के पीछे ना शैल होती है ऐसे, उसके लिए मेरी पीठ पे कटोरा बांधा हुआ है सुतली से. एक 8 साल का बच्चा उसकी पीठ पे कटोरा बांधा हुआ है. मैं ये वाला पैर रख रहा हूँ तो वो यहाँ झुक जा रहा है, मैं ये वाला रख रहा हूँ वो यहाँ झुक जा रहा है. खरगोश हंस रहा है मुझे देख के, उसकी आंखों में सिंपैथी दिख रही कि भाई तू जीत जा यार, तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है. मैं जैसे ही रेस जीत के खड़ा हूँ, वो कटोरा यहाँ से घूम के यहाँ आ गया. मैं विनिंग पॉइंट में कछुए से कंगारू बन गया हूँ कि सर एक बच्चा और डाल दो इसमें बस. कह रहे हैं इस बार बहुत बढ़िया प्ले होने वाला, सुनो तो तुम इस बार जो प्ले होने वाला है बताओ क्या हो गया. आपको भी बनाया था क्या? कह रहे हैं इस बार सुन लो, इस बार बहुत बढ़िया प्ले होने वाला है, इस बार जो प्ले होना है वो है बैंक में डकैती. ये बढ़िया प्ले है? ये स्कूल है या नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर है? ये कैसा प्ले करवा रहे हैं भाई? ये कह रहे इंटरेस्टिंग बहुत. सुनो तुम, देखो एक बैंक है, उसमें 4 चोर चोरी कर रहे हैं, 2 पुलिस वाले हैं, वो उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लेंगे. देख रहे हो दोस्तों, चोर 4 हैं और पुलिस वाले 2 हैं. ये प्ले यूपी में हो रहा है. ये पहली पुलिस की पकड़ होगी जहां पुलिस खुद माइनॉरिटी में है. मैंने कहा सर बैंक तो लुटेगा लुटेगा, साथ में 2 पुलिस वालों का अपहरण भी होगा, चोर बांध के मार देंगे पुलिस को. पर हमें इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा था, है ना, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमने तो एग्री कर लिया ठीक है सर. सर ने सिलेक्शन किया क्लास में, उन्हें से पूछा कि चलो खड़े हो जाओ, बताओ कौन कौन है जो पुलिस बनना चाहता हो. कोई खड़ा ही नहीं हुआ, एक भी बंदा. सर ने बोला कौन कौन है जो चोर बनना चाहता हो, पूरी क्लास खड़ी हो गई. हाँ भाई, इतने चोर एक साथ खड़े हो गए, 1 मिनट को लगा ये देश का पार्लियामेंट है. क्लासरूम लग ही नहीं रहा था, इतने चोर एक साथ तो वहीं मिलते हैं ना. और लौंडे इतने हरामी अचीवमेंट गिना रहे अपनी. सर को कह रहे सर आपको पता है पिछले महीने क्लास से 4 डस्टर गायब हो गए थे, मैं लेके गया था. उसके बगल वाला कह रहा तुझे पता है अभी कहाँ है वो 4 डस्टर. फुल चोर बच्चे भाई. स्कूल में एक लोहे की घंटी थी और उसको लोहे की रॉड से बजाते थे. एक दिन कोई बच्चा घंटी चुरा ले गया. घंटी मैं देख रहा हूँ चपरासी सिर्फ हाथ में रॉड लेके घूम रहा है पूरे स्कूल. हाँ कि अब क्या करना है इसका भाई, रोड का क्या ही कर लेगा आदमी. देख रहे हो स्कूल में लास्ट पीरियड चल रहा है और छुट्टी नहीं हो रही. बच्चे चपरासी को देख रहे हैं, चपरासी घंटी को देख रहा है, रोड देख रहा है वो कि क्या करूँ, टकले पे मार दूँ इसे.
मेरा दोस्त मुझे आके कह रहा भाई हम दोनों चोर बन जाते हैं। मैंने कहा क्यों कह रहा, हम दोनों चोर बन जाएंगे, प्ले वाले दिन स्टेज पे पुलिस वालों को पेल देंगे तो हम दोनों फेमस हो जाएंगे, इतनी हाइट है इसकी। मैंने कहा परसों तूने वॉशरूम में केंचुआ देखा था, चक्कर आ गए थे तुझे, तीन लौंडे घसीट तू लेके आए थे तुझे क्लास तक। मैंने ऐसे दोस्त से डिसाइड किया, मैं और मेरा दोस्त है चंचल, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम ना पुलिस बनेंगे, क्योंकि हमें लोगों को पीटना था दोनों। और मैंने बचपन से देखा है पुलिस वाले किसी को भी पीट सकते हैं, आपने देखा पुलिस वालों को लोगों को पीटने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, लोग वो पीट देते हैं भाई। मैंने देखा है पुलिस वाले पीटने के बाद सवाल पूछते हैं, चट तू था वहां, आप पुलिस में हो भाई, मत करो यार ऐसा सवाल। अब आपको बहुत मजा आएगा प्ले में, पता है। तो हम दोनों डिसाइड किया, सर ने बोला कॉस्ट्यूम, मैंने बोला कॉस्ट्यूम हम लेके आएंगे, अब नहीं बनना मुझे कछुआ। हम सब ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि चोर अपनी यूनिफॉर्म ले आएंगे, पुलिस वाले प्ले वाला दिन था, मैं वो खाकी ड्रेस लेके आ गया पुलिस की, मेरा दोस्त चंचल वही व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट में आ गया। सर कह रही कौन सी पुलिस बना, कह रहा ट्रैफिक पुलिस। सीटी बजाने लगा वहां निकाल के। सर कह रही साली बैंक में चोरी है, ट्रैफिक पुलिस का क्या काम। कह रहा सर आप समझ नहीं रहे हो, बैंक में जो चोर आएंगे वो गाड़ी से तो आएंगे, तो मैं उनका चालान काट दूंगा। सर ने बोला जो तुम पुलिस वाले बन रहे हो अपने हथियार भी खुद ही लेके आना। हथियार, ट्रेन पे हमला करने जाना है हमें, हथियार का नाम सुन के चोरों की फट गई। वो कह रहे सर आप तो कह रहे थे चोरी का केस है, ये तो एनकाउंटर लग रहा है, हमें मरवाओगे क्या स्टेज पे। चंचल कह रहा भाई क्या हथियार लाना है, मैंने कहा तेरे घर जो मिले ले आना, मैं वो पिचकारी वाली बंदूक लेके आ गया, आपने देखी वो पिचकारी वाली बंदूक आती है, और मैंने उस पर लाल रंग भर दिया, कैसे स्टेज पे चलाऊंगा फील आ जाएगा लाल रंग से, और मैंने उसे साइड में खोस लिया, तो आधी तो वो लीक हो गई, तो मेरी इतनी जांग लाल है अब, प्ले के पहले एक जख्मी पुलिस वाला घूम रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी टांग पे गोली मार दी किसी ने। मैंने कहा चंचल इसको साफ कर, तो एक गिलास पानी ला के डाल दिया उस पर, तो इतनी लाल है इतनी गीली है। मैं ऐसे खड़ा, मैंने कहा चंचल तेरी बंदूक कहाँ, उसने शर्ट ऊपर करी, चक्कू लेके आ गया, चक्कू सब्जी काटने वाली। कह रहा भाई मेरे घर में तो यही हथियार है, सलाद खिलाना मैं चोरों को। मैं कहा भाई चक्कू से पकड़ेंगे कैसे उन्हें। कह रहा देख तू सामने से घूम के बंदूक लगाना, मैं पीछे चक्कू फंसा दो। पुलिस बने डकैत बने हैं हम ही नहीं बैंक लूट ले फिर। मैंने उसकी चक्कू फेंकी, उसे डंडा दिया, मैंने कहा तू डंडा रख ले अपने पास। फिर हमारी नजर पड़ी चोरों पे भाई, चोर आए हुए थे, चार में से तीन चोर थ्री पीस सूट पहन के आए थे, उन्होंने टाई लगा रखी थी, उनकी माँ ने उन्हें काजल लगा के भेजा था कि हमारे चोरों को किसी की नजर ना लग जाए। उनको देख के लग ही नहीं रहा था ये चोर है, उनको देख के लग रहा था ये बैंक के मालिक हैं, चेयरमैन एमडी सीईओ। मेरा सैल्यूट मारने का मन कर गया उनको। मेरा दोस्त चंचल भाग के कुर्सी ले आया, कह रहा सर आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। बहुत अमीर लग रहे थे भाई। एक चोर तो वो जूते पहन के आया था, लाइट वाले जूते देखे तुमने, सब ब्लू रेड जल रहा था। चंचल को कह रहा अपने सर पर रख ले, पीसीआर वैन लग गई। ट्रैफिक पुलिस की बहुत बेइज्जती हुई भाई। हमने देखा चौथा चोर वो कुर्ता पजामा पहन के आया था, कुर्ता ये कौन सा चोर है जो बैंक लूटने पजामा पहन के जाता, वो खुद लूटा हुआ लग रहा था। सर ने बोला भाई साहब आप कौन से चोर बने, कह रहा सर मैं राजनीतिक चोर बना हूं, कह रहा मैं नेता बना हूं। सर कह रहे साले बैंक लूटना देश नहीं लूटना। आप में से पहना है किसी ने पजामा, जिनने भी पहने, जिनने नहीं पहना मैं उनको बता देता हूँ, उसमें एक चीज होती है जिसे कहते हैं नाड़ा, हाँ होती है भाई, उसे बांधना आसान है, वो बंध जाता है, उसे खोलना बहुत टफ है यार, क्योंकि उसमें दो छोर होते हैं, तुमने सही खींचा वो खुल गया, और तुमने गलत खींचा उसमें एक गांठ और लग गई, तो प्ले स्टार्ट होने वाला नेता को मुंह आ गया है। और भाई उसने हड़बड़ाहट में गलत छोर खींच दिया है, तो आप समझ लो प्ले अनाउंसमेंट हो रहा है, तीन बच्चे बैक स्टेज पजामा खींच रहे हैं एक लड़के का, ये इसको मुतवा भाई पहले। सर को तो समझ नहीं आया क्या हुआ, उन्होंने स्टेज पे चढ़ा दिया खदेड़ के। अब देखो एक तरफ चोर है एक तरफ पुलिस वाले, दो माइक थे, एक चोरों के पास एक पुलिस के पास, डायलॉग किसी को भी नहीं याद, रिहर्सल ही नहीं हुआ। मैं बहुत जोश में गया यार, मैंने जाते ही पहला डायलॉग बोल दिया, मैंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट,
इतनी अंग्रेजी सुन के चोरों की फट गई। तो वो एक दूसरे को माइक पास कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो? 3 राउंड उन्होंने ये किया। चौथे राउंड में जब नेता के पास माइक पहुंचा तो वो कह रहा, हेलो माइक टेस्टिंग। उसने बोला माइक टेस्टिंग, पता चला उनका माइक बंद है, चोरों का माइक खराब है। तो अब पुलिस वाले अपना डायलॉग बोल रहे हैं, फिर माइक लेके चोरों के पास जा रहे हैं। भाई साहब आपका डायलॉग आ गया है, कितनी चोर फ्रेंडली पुलिस है यार, हमें डायलॉग नहीं आते, हमने जो मैं जो डायलॉग बोल रहा हूँ वो बस उसमें एक वर्ड चेंज कर दे रहे हैं। मैं बोल रहा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, कह रहा तुम अपने आप को चोरों के हवाले कर दो। तो मुझे गुस्सा आ रहा है यार, मैंने अगला डायलॉग बोला, मैंने कहा सुनो अपने हाथ सर पे रखो और चुपचाप सरेंडर कर दो। तो वो डिस्कस करने लग गए, कह रहे भाई सरेंडर क्या होता है। एक चोर समझा रहा उन्हें, कह रहा हमारे सिलेबस में नहीं है, वो नाइन्थ के बाद आएगा। और मुझे ना तो गुस्सा आ रहा है कि यार बहुत बेवकूफ चोर है। तो मैंने से लास्ट डायलॉग बोला, मैंने कहा सुनो चुपचाप बाहर आ जाओ, हमने ना तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तो वो हंसने लग गए, कह रहे चारों तरफ, साले तुम तो दो ही हो। तो मुझे ना गुस्सा आया, मैंने अपनी बंदूक निकाली, मैंने फायर कर दिया उन पे। हाँ मैंने चला दी। तो अब तुम देखो मेरे सामने 3 चोर हैं 3-पीस सूट में, जिनके सूट में कलर लग गया है, नए सूट में, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। तो यार उन्होंने बैंक दिया, छोड़ वो मेरे ऊपर कूद पड़े हैं। तो अब स्टेज पे एक पुलिस वाले को 3 चोर पीट रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस सीटी बजा रहा है। मैंने कहा भाई कुछ कर। तो कह रहा यार ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, ये मुझे भी मारेंगे। मैंने कहा तेरे हाथ में डंडा भाई कुछ कर। तो ये भाग के गया, पीछे नेता खड़ा हुआ था, इसने घुमा के धर दिया भाई नेता को, बहुत जोर से मारा। और आपको पता है नेता को आया हुआ है मूत। तो डंडा पड़ते उसकी इंद्रियों का कंट्रोल खो गया, उसके फाटक खुल गए स्टेज पे ही। तुम सीन इमेजिन कर पा रहे हो कि एक पुलिस वाले की पिटाई हो रही है, ट्रैफिक पुलिस सीटी बजा रहा है और बीच में से नदी बह रही है। कैसे तैर के जाना है, पार कैसे करना है इसे? भाई सर ने पर्दा गिराया, ऐसे बाल पकड़ के नीचे लेके आए, बहुत मारा यार बहुत। मैं पुलिस बना था ताकि मैं लोगों को पीट सकूं, एक तो मुझे चोरों ने पीटा, नीचे मुझे टीचरों ने पीटा, नेता जिसे सबसे ज्यादा मार पड़नी चाहिए थी हमने देखा वो रोने लग गया। तो अब उसके 2 जगह से पानी आ रहा है। सर कह रहे पहले इसका पजामा चेंज करो यार, तो जो दो नदियां बह रही इनको रोको, इसके बैग से दूसरा पैंट पहनाओ। हमने उसका बैग उठाया, हमें उसके बैग से पैंट नहीं मिला, बैग से पता क्या मिला? स्कूल की घंटी। All right guys, my name is Ashish. You have been great audience.